नमस्कार दोस्तों, मेरे कायदे भान इस लीगल चैनल पर आपका स्वागत है। आज के वीडियो का विषय है कि हिबानामा। हिबानामा रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो, इसके बारे में जो डिस्प्यूट है, बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग है। ये क्या है, इसके बारे में प्रोविजन क्या है, ये आज की वीडियो में देखते हैं। तो हिबानामा, हिबानामा मतलब गिफ्टेड। तो मुस्लिम लॉ में ये प्रोविजन है कि कोई भी एक बंदा हिबानामा करके अपनी प्रॉपर्टी दूसरे को ट्रांसफ़र कर सकता है। लेकिन बहुत सारे केसेस में मैंने ये देखा है कि बंदे के पास हिबानामा है, वैलिड हिबानामा है, लेकिन ऐसा हिबानामा लेकर जब गवर्नमेंट ऑफिसर के पास वो जाता है, प्रॉपर्टी पे अपना म्यूटेशन कराना चाहता है, उस वक्त समस्या आती है, दिक्कत आती है कि हिबानामा रजिस्टर्ड नहीं है, इस ग्राउंड पर वो रिजेक्ट किया जाता है। यहाँ पर सवाल ये होता है, क्या हिबानामा रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है क्या? तो इसका जवाब यह है कि मुस्लिम कानून के हिसाब से हिबानामा रजिस्टर्ड हो यह बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। तो फिर सवाल ये उठता है कि ये जो गवर्नमेंट ऑफिसर है, ये किस बेसिस पे आपको ये बोलते हैं कि रजिस्टर्ड हिबानामा लाओ? इसका जवाब यह है कि इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट में सेक्शन 17 है। 17 क्या बोलता है, किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी की आप अगर ट्रांसफ़र करते हो, तो वो जो डॉक्यूमेंट है, जिस डॉक्यूमेंट के थ्रू आप ट्रांसफ़र कर रहे हो इमोबल प्रॉपर्टी, वो डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट हो, ये मैंडेटरी है। इस तरह की प्रोविजन है सेक्शन 17 में। कौन से एक्ट के? द इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट। अभी इस प्रोविजन को आधार मानकर, इस बेसिस पे गवर्नमेंट ऑफिसर बोलता है कि देखिए, आपके इमोबल प्रॉपर्टी का हिबानामा है, मतलब घर है, शॉप है, जो भी है या ज़मीन है, इसका जब आप ट्रांसफ़र कर रहे हो हिबानामा से, मतलब सेक्शन 17 आपको लागू होगा, तो आपका हिबानामा रजिस्टर्ड हो ये ज़रूरी है। इस तरह का आर्गूमेंट वो गवर्नमेंट ऑफिसर करता है। और आपका हिबानामा अगर अनरजिस्टर्ड है, तो आपका म्यूटेशन रुका देता है। इस पर सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में सेक्शन 129 है। ये क्या बोलता है, अदर लॉ में जो कुछ भी प्रोविजन हो, पर मुस्लिम लॉ का हिबानामा जो है, इसको सेक्शन 17 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का सेक्शन 17 लागू नहीं पड़ेगा। उस सेक्शन के प्रोविजन से हिबानामा एग्जेम्प्टेड है। इस तरह का कथन कौन करता है? सेक्शन 129 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। इसका सार क्या है? सार यह है कि सेक्शन 17 ये बोलता है कि हर एक इमूवेबल प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड हो, ये सेक्शन 17 बोलता है, और सेक्शन 129 ये बोलता है कि हिबानामा है, अगर हिबानामा है, तो उसको सेक्शन 17 से एग्जेम्प्ट किया जाए, छोड़ दिया जाए, या सेक्शन 17 लागू ना किया जाए। इस तरह का प्रोटेक्शन सेक्शन 129 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट बोलता है। तो ये कानूनन क्या मामला हुआ? कानूनन ये मामला हुआ कि सेक्शन 129 ने ये प्रोविजन करके रखी है कि हिबानामा अनरजिस्टर्ड हो तो भी चलेगा। इस तरह की प्रोविजन 129 बोलता है, मतलब आपके पास अगर हिबानामा है और वो अनरजिस्टर्ड है, तो उसको प्रोटेक्ट किया है। किसने किया है? सेक्शन 129 में। अब दोस्तों सवाल ये है कि मैंने ये जो भी कुछ बताया है, इसके बारे में कुछ जजमेंट है क्या? हाँ, जजमेंट है। जजमेंट का नाम है अब्दुल रहीम वर्सेस शेख अब्दुल जब्बार, ऑल इंडिया रिपोर्टर 2010, सुप्रीम कोर्ट 211। ये है केस लॉ का नाम, यह है जजमेंट का नाम। इसमें जो डिटेल में डिस्कशन हुआ है, और हिबानामा किस कंडीशन में वैलिड रहेगा, इसका भी विस्तार से विवेचन किया गया है। इसमें तीन बातें बताई गई है कि मुस्लिम लॉ के हिसाब से हिबानामा तब वैलिड माना जाएगा जब उसके तीन कंडीशन सेटिस्फाई होते हैं। तो वो तीन कंडीशन इस जजमेंट में बताए, पहला डिक्लेरेशन ऑफ हिबानामा, दूसरा एक्सेप्टेंस ऑफ हिबानामा, जो हिबानामा किया गया है उस हिबानामा की प्रॉपर्टी को जो बेनिफिशियरी है उस बंदे ने एक्सेप्ट करना चाहिए, और तीसरी कंडीशन बताई गई है कि डिलीवरी ऑफ पजेशन, मतलब हिबानामा में जिस प्रॉपर्टी को हिबा किया गया है, गिफ्ट किया गया है, उस प्रॉपर्टी का एक्चुअल पजेशन, फिजिकल पजेशन बेनिफिशियरी को डिलीवर किया गया हो। यह अगर तीन कंडीशन सेटिस्फाइड होते हैं, तो इस तरह का हिबानामा कानूनन माना जाता है, वैलिड माना जाता है, और यह हिबानामा रजिस्टर्ड हो यह बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। इस तरह का जजमेंट
इस रूलिंग में दिया गया है। इसलिए दोस्तों, अगर आपके पास हिबानामा है और वो अनरजिस्टर्ड है तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। आपको जो इस वीडियो में मैंने डिटेल्स बताए हैं और जजमेंट बताया है उसको आप रेफ़र कर सकते हो और उस बेसिस पे आपका हिबानामा वैलिड है ये आप कोर्ट में प्रूव कर सकते हो, और हिबानामा में जो भी प्रॉपर्टी बताई गई है उसका आप म्यूटेशन अपने नाम पे करा सकते हो। तो दोस्तों, ये थी जानकारी कि अनरजिस्टर्ड हिबानामा है तो क्या लीगल प्रोविजन आपके फेवर में है और किस जजमेंट को यूज़ करके आप अपना म्यूटेशन करा सकते हो, इसके बारे में जानकारी। तो कानून की जानकारी के लिए मेरा लीगल चैनल कायदे भान देखते रहिए। हाँ, जिनको मुझे संपर्क करना है उनके लिए मेरा मोबाइल नंबर स्क्रीन पे दिया है, लेकिन सीधा फ़ोन ना करें, बिल्कुल भी ना करें। जिनको बहुत ज़रूरी काम है वो आप मैसेज लिख सकते हो, व्हाट्सएप में डाल सकते हो। अगर आपके केस में मेरिट है तो आपको हम संपर्क करेंगे और लीगल गाइडेंस देंगे। बाय।